अपराध का क्या रूपरेखा था, क्या पृष्ठभूमि था, जहाँ से संचालित होता था अपराध का यूनिवर्सिटी था, तो उस पर उसके संदर्भ में भी इनको बोलना चाहिए जी। तो इसीलिए चलिए अपना है प्रतिपक्ष में है तो जो उनका काम है अपना बोलने का वो अपना बोलते रहते। गौरव सांसद से ही देश चलाना चाह रहे हैं कि भाई चारे सांसद में जो है तो सारा नियम कायदा तो वही लोग बनाते हैं। अब पहले भी बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे 40 सभी काफ़ी संख्या है वहाँ, तो गिरने गिराने का नहीं, उनको अपने विधानसभा की चिंता करनी चाहिए कि कितना कई गो सीट पर आके रुकेंगे ये देखें पहले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। बिहार में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दिखते हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। लगातार वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार सरकार से सवाल पूछते हैं और प्रतिदिन कुछ ना कुछ वो जरूर बिहार में होती हुई गतिविधियों पर उजागर करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं आखिरकार क्या कुछ इससे निकलकर सामने आएगा। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ लोजपा के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह जी मौजूद हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार के कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ वो नया अपने प्लेटफॉर्म एक्स पे जाहिर करते हैं और उजागर करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी घटना होती है तो उसमें सबसे पहले सरकार उस घटना के प्रति कितना संवेदनशील है जी। तो ये देखना जरूरी है। तो उसमें नीतीश जी के सुशासन में निश्चित रूप से अपराध यदि होता है तो त्वरित कार्रवाई भी होती है जी। और चाहे किसी भी तरह की घटना हो, कहीं भी आपराधिक घटना हुई हो, उसमें कार्रवाई में कहीं भी विलम्ब नहीं हुआ है जी। तो सबसे बड़ी संवेदना सरकार की यही दिखती है। और तेजस्वी जी बोलते हैं तो तेजस्वी जी अपराध के संदर्भ में बोलते हैं तो शोभा नहीं देता जी। उनका शासनकाल 15 वर्षों तक लोगों ने देखा है कि अपराध का क्या रूपरेखा था, क्या पृष्ठभूमि था, जहाँ से संचालित होता था अपराध का यूनिवर्सिटी था। अब वो लोग जो है अपराध के विषय में, बिहार के आपराधिक घटनाओं के विषय में तो बोलता है तो शोभा नहीं देता है। तो ठीक है, अब नेता प्रतिपक्ष हैं, बोलते हैं तो अपना उनका अधिकार है, लेकिन सरकार आपराधिक घटनाओं पर काफ़ी संवेदनशील है और मैंने देखा है कि हमेशा किसी भी आपराधिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई सरकार ने किया है और एकदम फुल एक्शन मोड में जो है सरकार को जो रहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वह सरकार रहती है जी। वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, तो 18 महीने तक तो रोड के या पुल के वही मंत्री थे, तो पहले से उनको मालिक है, अभी कुछ हुआ है, पुराने पुल हैं, कुछ भी है। और आपने देखा है कि लगातार यदि कहीं कुछ गड़बड़ी नज़र आई है सरकार को तो कार्यपालक अभियंता से लेकर के सहायक अभियंता तक तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई है और उसका जाँच चल रहा है। और 18 महीने तक मंत्री खुद भी थे तो उस समय भी इनको इस पर देखना चाहिए था, जांच करना चाहिए कि कहाँ पुल पुलिया कमज़ोर है। आज दो दिन में तो पुल नहीं बना, सरकार जो है अभी महीना दो महीना जो है हटे हुए इनको मंत्री से हुआ है, तो इसके पहले तो मंत्री थे तो इनको जांच करना चाहिए था, देखना चाहिए था। इनके पीरियड में भी जो पुल बना है वो भी गिरा है, तो उसके संदर्भ में भी इनको बोलना चाहिए। तो इसीलिए चलिए अपना है प्रतिपक्ष में है तो जो उनका काम है अपना बोलने का वो अपना बोलते रहते, कोरम अपना पूरा करते हैं। सर, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि 8 जुलाई को आप लोग कुछ कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? 8 जुलाई को स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री जी का पुण्यतिथि है और 8 जुलाई को हम लोग विद्यापति भवन में पूरे बिहार से सभी लोग जो चंद्रशेखर जी के प्रति आस्थावान लोग हैं उन सभी लोग आ रहे हैं और उस दिन जो है चंद्रशेखर जी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और उसको हम लोग मना रहे हैं। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा सर हमारा कि कल ही 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है RJD का, उसी में एक बयान जो है वो लालू प्रसाद यादव ने दिए हैं, कहे हैं कि अगस्त में केंद्र सरकार गिर जाएगी, इस पर क्या लगता है आपको? अब तो 4 सांसद उनका हो गया, तो 4 सांसद से ही देश चलाना चाह रहे हैं कि भाई चारे सांसद में जो है तो सारा नियम कायदा तो वही लोग बनाते हैं। अब पहले भी बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे 40 सीट जो है जीत रहे हैं, फलाना हार रहे हैं, फलाना जीत रहे हैं, ये प्रिडिक्शन तो उन लोगों का चलते रहता है। तो अपना ख्याली पुलाव है, अपना पकाते रहें, इसी तरह ख्याली पुलाव पकाएँ
और सरकार केंद्र में सरकार इंडिया की सरकार है और मजबूत सरकार है, 5 साल मजबूती से चलेगी, जैसे 10 साल पीछे मजबूती से चला है, फिर 5 साल ये लोग मजबूती से चले। मतलब आप लोग एनडीए में सब कोई मजबूती से एक साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजबूती से सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, और उसका दिखेगा। विधानसभा भी है, उनको विधानसभा की चिंता करनी चाहिए, केंद्र की चिंता जो है, केंद्र का तो हो गया, सरकार बन गई वहाँ और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, सभी काफ़ी संख्या है वहाँ, तो गिरने गिराने का नहीं, उनको अपने विधानसभा की चिंता करनी चाहिए कि कितना कई गो सीट पे आके रुकेंगे ये देखें पहले। चलिए, तो जैसे कि भी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे लोजपा के पूर्व सांसद रामकिशोर सिंह। तो इनका कहना था कि कल जो 28वां स्थापना दिवस आरजेडी का मनाया गया, उसमें लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो बयान जो आई थी सामने कि अगस्त में केंद्र सरकार गिरने वाली है, उस पर इन्होंने कहा है कि केंद्र में तो पहले से ही सरकार बन चुकी है, उनको अब विधानसभा चुनाव पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और तो और इन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ बता दिया है कि केंद्र में जो एनडीए सरकार है वो लोग सब एक साथ मजबूती से हैं। अब देख तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।